IAS, IPS और IFS सहित तमाम पदों के लिए हर साल लाखों लोग UPSC सिविल सेवा परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग कामयाब हो पाते हैं। UPSC पास करना सबके बस की बात नहीं होती। UPSC सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, साथ ही कुछ अनोखे तरीके भी अपनाते हैं। कुछ लोग तो सोशल मीडिया से दूरी तक बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, UPSC 2016 की टॉपर रही नव्या सिंगला कहती हैं कि UPSC क्लियर करने के लिए चाहिए सही रणनीति। आपको बता दें, नव्या सिंगला मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली है। नव्या की शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी यहीं से हुई। नव्या ने 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। नव्या ने ग्रेजुएशन पूरा होते ही एक तरफ इकोनॉमिक्स में मास्टर के लिए दाखिला लिया और दूसरी तरफ UPSC की तैयारी भी शुरू कर दी। और फिर वर्ष 2016 में उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में 102 रैंक के साथ UPSC क्लियर कर लिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 23 साल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नव्या सिंगला ने UPSC की तैयारी शुरू करने से पहले ही तय कर रखा था कि उन्हें पहले ही अटेम्प्ट में परीक्षा पास करनी है। इसलिए उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने UPSC में ऑल इंडिया 102 रैंक हासिल की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नव्या की सलाह माने तो तैयारी के पहले चरण में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। वे कहती है कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए यह बहुत ही जरूरी कदम है, चाहे जो हो जाए अखबार रोज पढ़ें, साथ में करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनाते चले। उनके अनुसार सुबह तैयार किए गए नोट्स को रात को रिवाइज करके ही सोएं, साथ ही किताबों की संख्या सीमित रखें, लेकिन उन्हें बार बार रिवाइज करें। उनका मानना है कि प्रीलिम्स के लिए खास तौर पर किताबों की संख्या सीमित ही रखनी चाहिए। यही प्रीलिम्स क्लियर करने का फार्मूला है। जब तैयारी थोड़ी आगे बढ़ जाए तो टेस्ट पेपर सॉल्व करें और इनमें जो गलतियां हो उन्हें दूर करते चलें। नव्या का कहना है कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर अधिक जोर दें। मेंस में आंसर राइटिंग का काफी महत्व है, साथ ही वह शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करने की सलाह देती है। उनका कहना है यह तय कर लेना चाहिए कि हफ्ते में क्या पढ़कर खत्म करना है और क्या महीने में। आप जितने वक्त की तैयारी करें मन लगाकर करें। प्रीलिम्स होने और मेंस के आने से पहले का वक्त अत्यंत कड़ी मेहनत का होता है। तो दोस्तों, महज 23 साल की उम्र में बनी IFS नव्या सिंगला की स्टोरी और सक्सेस टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें मिनी बायो विद मनोज के साथ। धन्यवाद।